लेट से p कोई एक पॉइंट है a cos थीटा comma b tan b sin थीटा किसी एंगल थीटा पे तो दिस एंगल इज थीटा नाउ अब हमें क्या बताना है हमें बताना है सम ऑफ सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पॉइंट p तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पॉइंट p को s से एंड पॉइंट p को s' से दोनों से ज्वाइन कर दिया ठीक है अब ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या हुआ लेट सी

इक्वल होगी एंड वी नो कि जो लाइन है क्या है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये जो pm होगी हो ये क्या होगी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी एंड सिमिलरली एस डैश वाली डायरेक्शन में अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या हो जाएगा वो वो क्या हो जाएगा pm डैश हो जाएगी तो सिमिलरली इस पॉइंट कम क्या सकते बोल सकते हैं m डैश बोल सकते हैं तो ps p e pm a और ps डैश क्या है ps डैश e pm डैश है पी एम डैश ना अब हमें क्या करना है हमें बताना है सम ऑफ पी एस प्लस पी एस डैश अब पी एस प्लस पी एस डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी ना अगर हम से देखें इट इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ पी एम प्लस पीएम डैश सी तो अब पीएम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो वीनो पॉइंट कहां पर है लेट से पॉइंट है यहाँ पे इसका एक्सकॉर्डेंट क्या है इस टाइम पे ए थीटा है ठीक है तो हम क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से इस ओरिजिन की ए e. तो इस ए e में से हम क्या करेंगे A cos theta minus कर देंगे, जो भी A cos theta की value होगी हम वो माइनस कर देंगे अगर A cos थीटा की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी तो वो डिस्टेंस एड हो जाएगी और A cos थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो वो कम हो जाएगी तो पी एम की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पी एम इज इक्वल टू a cos theta या सॉरी हम बोल सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं a by e minus a cos theta ये हमने किसकी वैल्यू लिखी है ये हमने वैल्यू लिखी है pm की एंड वी नो a cos theta की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है a हो सकती है तो a by ये क्या है हमेशा पॉजिटिव है ये वैल्यू a by e minus a cos theta अब इसमें हमें क्या ऐड करना है इसमें हमें pm डैश ऐड करना है अब pm डैश क्या होगा हमें पता है से जो दूसरी लाइन है माइनस ए बाई इसमें तो क्या होगा एड हो जाएगा और एक कॉस्ट थीटा नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि लेट से अगर अगर इस जगह पॉइंट होता फॉर एक्जाम्पल यहां पे है, तो हम क्या करेंगे नॉर्मल के लिए क्या करेंगे एक कॉस्ट थीटा कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे पॉइंट आएगा तो ए ई e तो ये डिस्टेंस है ही प्लस हम क्या करेंगे ये इतनी डिस्टेंस और ऐड करते हैं उस केस में बट अगर एक्स इस साइड ये पी पॉइंट इस साइड में है तो इतनी डिस्टेंस हम माइनस हो जाएगी क्योंकि ए कॉस थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी तो प्लस क्या हो जाएगा प्लस ए बाय ई इनटू क्या हो जाएगा सॉरी ए बाय ई प्लस थीटा हो जाएगा इस केस में प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा एंड वी नो डिस्टेंस है तो ये क्या है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि ए थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है माइनस ए बाई हो सकती है तो इनका जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर देन ही होगा तो अब हम देखें तो क्या होगा ई e से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ई इंटू ए इज ए माइनस ए थीटा प्लस ए बाई इज ए प्लस एस थीटा यहां से वैल्यू क्या जाएगी माइनस ई थीटा से ए थीटा कट हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए तो यहां से वैल्यू क्या जाएगी दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डिस्टेंस इज टू ए